हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज हम शकरकंदी भून के दिखाएंगे आपको। शकरकंदी चूल्हे की भुनी हुई बहुत अच्छी लगती है, लेकिन आज हम कुकर में चूल्हे जैसा स्वादिष्ट बनाएंगे। तो शकरकंदी हमने सारी धो के रख ली थी, पहले ही सुखा ली थी। अब इन पर हम ऑयल लगाएंगे। ऑयल कोई भी लगा सकते हैं आप, जो आप किचन में यूज करते हैं। तो सभी पर एक एक करके मैंने सारी भी शकरकंदियों पर ऑयल लगा लिया है। ऑयल लगा के अब हम इसको कुकर में डालेंगे। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। सबसे पहले कुकर में कुछ भी नहीं करना है, ये ऑयल लगी हुई शकरकंदी हमने एक एक करके इसमें अच्छे से रख देनी है। ये सारी शकरकंदी इसमें रखने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा। हाँ जी, ये देखिए मैंने सारी अच्छे से इसमें रख दी है। ये 1 किलो शकरकंदी है, आप जितनी चाहे अपने कुकर के हिसाब से उतनी ले सकते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए एक न्यूज़पेपर। दूसरा स्टेप हमारा ये है। तो न्यूज़पेपर हमने डबल फोल्ड कर लिया है, एक पूरा न्यूज़पेपर इसमें डाल के डबल फोल्ड करके रख दिया है। तो डबल न्यूज़पेपर डालने के बाद हमें इसको गीला करना है पानी से। न्यूज़पेपर अच्छे से गीला हो जाना चाहिए। न्यूज़पेपर गीला करने के बाद अब हम इसमें लगाएंगे ढक्कन। तो ढक्कन लगाते समय एक ध्यान रखें एक बात कि इसकी विसल निकाल के अलग रख दे। हमें विसल नहीं लगानी है क्योंकि हमने इसके अंदर कोई पानी नहीं डाला है, हमारा कुकर फट जाएगा। तो हमें इसकी विसल निकाल के इसको कुकर को बंद कर देना है। इसको हमें लो मीडियम आँच पर 15 से 20 मिनट तक इसको पकाना है। आप इसको बीच बीच में खोल के चेक भी कर सकते हैं। तो इसको और टेस्टी बनाने के लिए हमने हरी चटनी बनाई है। इसके लिए लिया है हमने धनिया, हरी मिर्च, 2-4 लहसुन की कलियां, अदरक, नमक। तो इसको हमने ग्राइंड कर लिया है। तो हमारी चटनी बन गई है। अब हमने दे इसको 15-20 मिनट हो गए हैं, निकाल के हम चेक करेंगे कि हमारी शकरकंदी बन गई है या नहीं। तो हमने लिया है नाइफ। देखिए मैंने सब पर डाल के देखा है, हमारी नाइफ अच्छे से जा रहा है। तो हमारी शकरकंदियाँ तैयार हो गई है। तो शकरकंदियों को हमने छील लिया है और इनको पीसीस में काट लिया है। तो जो रोड पे शकरकंदी बनाते हैं उनकी भुनी हुई होती है, तो इसका भी टेस्ट सेम ऐसा ही आता है। क्योंकि जब हम पानी में उबालते हैं तो ज़्यादा गल जाती है, और इस तरीके से जब हम यूज़ करते हैं तो हमारी शकरकंदी अच्छी बनती है और टेस्ट भी अच्छा आता है। तो शकरकंदी हमने सारी काट ली है। अब इसमें हमने डाला है नमक, थोड़ा सा चाट मसाला, और जो हमने हरी चटनी बनाई थी अब हम उसको भी इसमें थोड़ा सा डाल देंगे। आपकी चॉइस है, आप ज़्यादा तीखा खाना चाहते हैं तो ज़्यादा डाल दें, आप उसके अनुसार अपनी डाल सकते हैं। और इसको और मज़ेदार बनाने के लिए हम डालेंगे इसमें नींबू का रस। तो हमारी चटपटी खट्टी मीठी सी ये हमारी चाट तैयार है। ये हमने इसमें नींबू डाल दिया है। तो ये सारी चीज़ें डालकर हम इसको मिक्स कर लेंगे। तो मेरी वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिए कि आपकी शकरकंदी कैसी बनी है, हमें ज़रूर बताएं कमेंट करके। तो हाँ, हमें सपोर्ट करते रहिए, हम आपके लिए नई नई वीडियो लाते रहेंगे। आपके हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और आपका धन्यवाद।